हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और एक बार फिर से मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली में एक नई जगह पे। आज है सैटरडे का दिन और ये है ओखला बर्ड सेंचुरी। जी हाँ, ओखला पक्षी अभयारण्य बोलते हैं इसको। और मैं अभी खड़ा हूँ ठीक सामने इसके। ये पार्क कर दिया हमने अपने कप्तान साहब को, यहाँ पार्क कर दिया हमने। और ये रहा ओखला पक्षी विहार, ये है इसका गेट। यहाँ पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, बट स्टिल पार्किंग यहाँ पे आसपास में आपको या तो मेट्रो स्टेशन पे पार्क करना पड़ेगा जो कि यहाँ से 300 मीटर दूर है। तो मैंने ये बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया है और आइए चलते हैं अंदर। हम तो हम काफी सुबह आ गए गाइस, मतलब कि 2 बजे ने सुबह के 9:30, और यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। जो बेस्ट टाइम है इसका विजिट करने का मैं आपको जानकारी दूंगा आगे। आइए चलते, पहले टिकट ले लेते हैं यहाँ से। तो टिकट देना लोग, हम लोग चलते हैं इधर से। ये है भाई कुछ सही यमुना से किनारा। तो गाइस हम लोग जो है यहाँ से, ये बिल्कुल रोड के साइड में ही है, तो आप यहाँ से उतर के नीचे आते हो, यहाँ पर टिकट लेंगे हम और यहाँ से उतर के हम सीधा यहाँ पर आएंगे। और ये है यमुना का किनारा, यहाँ एक नदी, यमुना नदी के बिल्कुल ठीक साइड में लग के है। और यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए ये जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। भाई चलते हैं यहाँ पे, बैठने की जगह। तो गाइज अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहुंचने की। तो यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं मैं बताता हूँ। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आप यहाँ से ओखला बर्ड सेंचुरी जो है मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर उतर के आप या तो पैदल आ सकते हैं। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से जो इसकी दूरी है वो है 300 मीटर और 300-400 मीटर या तो आप पैदल चल के आ सकते हैं। बट अभी जो मैं इस वक्त आया हूँ वो है गर्मी का महीना, तो आप ऑटो या फिर ई रिक्शा से यहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर टैक्सी कर सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये बात करें ओखला बर्ड सेंचुरी की, तो ये जो है वो 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब इसका कुछ एरिया दिल्ली में और कुछ एरिया जो है वो यूपी में नोएडा में लगता है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो मैं आपको सामने दिखाता हूँ कुछ। ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया, ये कुछ यहाँ पे लाइन बनी हुई है, ओखला मेनली ये ओखला बैराज पे बना हुआ है। यहाँ पर बात करें तो कुछ लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं नोएडा दिल्ली से, और बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक मनाने। बट अभी गर्मी का महीना है, वरना अगर आप ठंड में आते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पक्षी देखने को मिलेंगे। जो है ये देखिए, ये लोगों के बैठने के लिए जगह बनाया गया है। यहाँ पे आप अपना खाना ले आके यहाँ पे खा सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। ये जो है ये भी बैठने की जगह बनाई गई है। और यहाँ पे एक नेचर ट्रेल है जिधर मैं आपको अभी लेके चलूंगा इधर की तरफ। बेसिकली गर्मी के महीने में यहाँ पे कपल्स ज्यादा आते हैं, तो आइए चलते हैं इधर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर का जो है वो रास्ता कैसा है। तो वैसे यहाँ पे एक कैफे भी है सामने, जिससे आप कुछ परचेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ मन होता है खाने का। यहाँ पे तो पानी वानी परचेज करना आपको। कि ये जो है ये ट्रेल है वो 2 से 3 किलोमीटर लंबा है, वो सीधा यमुना नदी के किनारे जो है किनारे जो है एक ट्रेल बनी हुई है, एक रास्ता बना हुआ है जिधर से आप जो है पैदल जा सकते हो आप। और एक ई रिक्शा भी है जिसके चार्जेस अलग से लगते हैं आपको। तो वैसे हम लोग चलते हैं इस नेचर ट्रेल पे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जगह है, और आपको पसंद आई जगह तो आप जरूर आना यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस कुछ सांप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, मतलब अभी तो सिर्फ कौवा बैठा है ऊपर, तो देखो भैया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक ऐसी जगह दिखी बैठने के लिए, मतलब अगर आप शांति प्रिय लोग हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा शांति पसंद है तो ये बेस्ट जगह है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है मतलब किसी भी चीज की, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत कम लोगों को पता है इस जगह के बारे में। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इतने टाइप की जो है सांप की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, और 320 से अधिक प्रजाति की जो है पक्षी पाए जाते हैं। बट वो अभी नहीं पाए जाते क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, और ठंड के महीने में जो है वो पक्षी की प्रजातियां जो है वो देश विदेश से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यमुना का किनारा है ये, तो थोड़ा बच के चलना है। मतलब ये नेचर ट्रेल पे एक ऊपर से भी रास्ता गया है, बट वहां पे धूप होती है तो लोग इधर से जाते हैं। और जगह जगह पे जो है चेयर्स लगे हुए हैं, और सामने का व्यू है यमुना नदी का,
ये है और ये है व्यू। मतलब शाम में मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि शाम में ऐसा व्यू कैसा बढ़िया रहेगा एकदम, या तो सुबह के टाइम में। अभी 10 बज रहे हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी आना था, हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी आके जो है कुछ चिड़िया देखने को मिल जाए, बट अभी के महीने में जो है, अभी जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में कुछ चिड़िया देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। कुछ लड़के लड़के बैठे हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा हर जगह कपल्स पाए जाते हैं मतलब हैं। और यहाँ पे ये जल मुर्गी, वो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया जगह है बैठने का। यहाँ बैठ के आप आराम से आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो और फोटोग्राफी कर सकते हो। ये देखो ऐसे नदी, बहुत बहुत खाली जगह है पे यमुना नदी का ना, बहुत बड़ा किनारा है और पानी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। मैंने देखा कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो कि फैमिली के साथ घूमने आए हैं, देख सकते रोड के मुकाबले जो है का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। देखो बच्चों के साथ आए घूमने। छोटे छोटे पक्षी, ये बहुत ही रेयर पक्षी है। थोड़ा सा जंगल जैसा लग रहा है। तो भाई जो नेचर ट्रेल है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, मतलब 400 मीटर बाद, और फिर ये रास्ता आ जाता है। ये देखिए बहुत सारे पक्षी हैं अभी भी, इसकी आवाज में सुन सकता हूँ। और ये रास्ता जाता है, अब ये सीधा रास्ता गया है 1 किलोमीटर दूर तक, जैसे आप देख सकते हैं ये रास्ता पूरा दिखेगा आपको। बट अब धूप है बहुत ज्यादा तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो गाइस बात करें इसके हिस्ट्री की, तो इसका निर्माण जो है वो 1990 में करवाया गया था। और इसका निर्माण इसलिए भी करवाया गया था कि क्योंकि कुछ जो पक्षी हैं वो रेड लिस्टेड हैं, मतलब कि वो खतरे में है, तो यहाँ पे जो है पक्षियों को सेव करने के लिए, क्योंकि ये पूरे नोएडा दिल्ली का जो इलाका है, पूरे इलाके में इतना बड़ा जंगल कहीं पे नहीं है जो जहाँ पे साइड में नदी बहती हो, तो ये वन एंड ओनली इलाका है ऐसा। तो अभी जो है यहाँ पे आप गर्मी के महीने में सजेस्ट करूँगा कि आप शाम में या फिर आप सुबह के टाइम में आ सकते हैं, और बढ़िया है। दोपहर में भी आते हैं तो बाहर के मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और जो है लोग देखेंगे आपको फैमिली के और फ्रेंड्स के साथ आते हैं लोग यहाँ पे घूमने, और कपल्स भी हैं जैसे कि आपने वीडियो में देखा, कपल्स भी आते हैं घूमने यहाँ पे। अच्छी जगह है, अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ के लिए आपको सजेस्टेड जगह है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रोड के साइड में आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और मेट्रो स्टेशन यहाँ से सिर्फ 400 मीटर दूर है। तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधा, और मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। और आपको जानकारी अच्छी लग रही है आपको, क्योंकि मैं दिल्ली की और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो अगर आप और सारी चीज़ें जानना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और फटाफट एक लाल वाला बटन है उसको दबा दें सब्सक्राइब करके फटाफट। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।